हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ रहे थे। जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ टाइप्स के बारे में आपको बताया गया था। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एपिथीलियम ऊतक के बारे में पढ़ा, जिसे हम उपकला ऊतक भी कहते हैं, जिसमें सल्की एपिथीलियम ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा, जिस प्रकार से रक्त के बारे में हमने पढ़ा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक के बारे में हमने पढ़ा। अस्थि और उपास्थि के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने चिकनी यानी पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ा, चिकनी पेशीय और रेखित पेशीय, अरेखित पेशीय और हृदय पेशी, तीन प्रकार की पेशी होते हैं। इट मीन्स तीनों पेशियों के बारे में हमने पढ़ा, और पेशियों के बाद हमने पेशीय ऊतक के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे लास्ट तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, डियर स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा रहता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल बिछा रहता है, तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा रहता है जो तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका ही होती है। इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर तक हो सकती है। तंत्रिका कोशिका के अगर कार्य की हम बात करें तो ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। कोई भी सूचना हमारे ग्राही अंग से, जैसे मैंने पिंच वोई अगर हाथ के अंदर, पिंच होने पर वो सूचना तंत्रिका कोशिका के पास जाती है, और तंत्रिका कोशिका से नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका, फिर अगली तंत्रिका कोशिका, और एटलीस्ट वो जाएगी मेरुरज्जु के अंदर, और मेरुरज्जु से सूचना जाती है मस्तिष्क के अंदर, और फिर मस्तिष्क से वापस मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु से तंत्रिका कोशिकाओं से होती हुई ग्राही अंग तक वो सूचना आती है। इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर काम करता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उत्तेजन के प्रति या किसी भी प्रतिक्रिया के प्रति हम उत्तेजनशीलता दर्शाएं, या कोई भी अनुक्रिया करें तो उसी किसी भी प्रतिक्रिया के प्रति हम अनुक्रिया करें तो वो तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र का ही कार्य होता है। हम अगर बात करें तंत्रिका ऊतक की, तो ये किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का। तंत्रिका कोशिका से बना होता है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम डायग्राम बना के देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका कैसे दिखती है। अगर तंत्रिका कोशिका के बारे में हम देखें, इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। यहाँ पर ये धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें डेंड्रोन कहते हैं, और इन्हीं से सूचनाएं तंत्रिका कोशिका में जाती है, तो इन्हें हम डेंड्रोन कहते हैं, इन्हें द्रुमिकाएं कहते हैं। ये जो है इसके बीच में एक केंद्रक होता है, और ये है तंत्रिका काय, और ये जो सीधी संरचना है स्टेट, इसको हम बोलते हैं, इस तरह से होती है ये, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन, या इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी जो इससे जुड़ी होगी, इसको हम बोलते हैं स्नैप्स। जहाँ दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं उस स्थान को हम बोलते हैं स्नैप्स, और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब किस प्रकार से सूचनाएं जाती हैं तंत्रिका कोशिका के अंदर? सबसे पहले सूचना किस में आएगी? सूचना सबसे पहले किस में आएगी? द्रुमिका में, और द्रुमिका से किस में जाएगी? तंत्रिका काय में, और तंत्रिका काय से किस में जाएगी? तंत्रकाक्ष में, और तंत्रकाक्ष से किस में जाएगी? अंतिम सिरे में, और अंतिम सिरे से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचना को जाना है, तो यहाँ जो गैप होता है उसको बोलते हैं स्नैप्स। यहाँ पर एक रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है, इस रासायनिक आवेग के कारण ही किसी भी तंत्रिका कोशिका से जो सूचना है वो अगली तंत्रिका कोशिका में जा पाती है। और इस तरह की तंत्रिका कोशिकाओं का या न्यूरॉन का हमारे शरीर में एक जाल बिछा रहता है, जो विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद करती हैं, और हमारे शरीर की जो एक्टिविटी है
उसको भी संपन्न करने में इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इस तरह से ये तंत्रिका ऊतक हमारा कार्य करता है। इस चैप्टर के अंदर आपने चार प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा है, जंतु ऊतकों के बारे में। उससे पहले आपने पादप ऊतकों के बारे में पढ़ा था। जंतु ऊतकों में आपने एपिथीलियम ऊतक, नंबर टू पर आपने संयोजी ऊतक, और नंबर थ्री पर आपने पेशीय ऊतक, और नंबर फोर पर आपने तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी ऊतकों को हम एक बार दोबारा से रीड करेंगे, और जहाँ भी ज़रूरत होगी इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और जब भी आप क्लास लेंगे ऑफलाइन आपके डाउट्स के लिए, तो वहाँ इसको दोबारा से कम्प्लीटली क्लियर करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। आज का जो वर्क है आपका तंत्रिका ऊतक का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और ये डायग्राम आपको बनाना है और इसका वर्क आपको कंप्लीट करना है। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।